संसद में पास हुए कृषि सुधार बिल के खिलाफ देश भर में किसान सड़कों पर उतर आए हैं। शुक्रवार को किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था। किसानों के बंद के दौरान बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता दल और जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस बिल के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। तो वहीं जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने भी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, तेज प्रताप के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव को नामजद किया गया है। 100 अज्ञात लोगों पर भी कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया है। इन नेताओं पर कोरोना महामारी के दौरान बिना इजाजत प्रदर्शन करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि ये नेता जब सड़क पर उतरे तो काफी भीड़ हो गई और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बेली रोड समेत कुछ इलाकों में भीड़ जमा करने पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन यहां भी प्रदर्शन किया गया, इसलिए इनके खिलाफ अलग अलग धाराओं में FIR दर्ज की गई है। कोविड 19 के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने, इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, प्रतिबंधित इलाके में प्रदर्शन करने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने समेत कई धाराओं में इन नेताओं और बाकी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पटना में कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन में तेजस्वी यादव ट्रैक्टर पर सवार होकर शामिल हुए। जिस ट्रैक्टर को तेजस्वी चला रहे थे उसकी छत पर तेज प्रताप यादव बैठे नजर आए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी